डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की हुई है। और कैसे हो, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ चंडीगढ़ कार्निवल, जो सेक्टर 10 में लगा हुआ है, लीजर वैली। तो चलिए अंदर चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ के जो नज़ारे हैं। तो ये देख सकते हो अंदर का व्यू है। और आज इस मेले का जो है सेकेंड डे है कार्निवल का, और 24-25-26 तीन दिन ये रहने वाला है। तो अंदर की कुछ इस तरीके की रौनक है। आप यहाँ पर यहाँ पर आप देख ही सकते हो बहुत सारी भीड़ है आज, और क्योंकि वीकेंड है, आज सैटरडे है और ये तीन ही दिन तक रहने वाला है। तो सेकंड डे पर तो बहुत लोग पहुँच चुके हैं। कल उतनी भीड़ भड़ा का यहाँ पर नहीं था जितना कि आज है। बाकी यहाँ पर मेन थीम जो है ना कैंडी लाइट की रखी गई थी, जो कि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट है, वो स्टूडेंट्स जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल ये कार्निवल लगता है और पूरे साल मतलब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि इस बार क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रॉलियाँ आप देख रहे हो ना, बोट वगैरह जो बनाई हुई हैं अलग अलग जो है जानवरों की शेप वगैरह के साथ में, ये बच्चों की मेहनत है। जो आर्ट का जो कॉलेज है यहाँ पर चंडीगढ़ का, गवर्नमेंट कॉलेज है, उन बच्चों ने ये मेहनत की हुई है। और कुछ भी मतलब वेस्टेज को जोड़ के या नई से नई मतलब उन्होंने अपनी आर्ट यहाँ पर दिखाई है, और बहुत ज़्यादा मेहनत है। और इन स्टूडेंट्स को ये सब करते हुए लास्ट 1 से 1.5 महीना हो चुका है, और आज फाइनल गुड दिन आया है जब इन्होंने अपना सब कुछ यहाँ पर जो है बनाकर और रिप्रेजेंट किया है हम सबके सामने। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों ने बहुत यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाया है, और इनको ये मौका दिया जाता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये अपना हुनर इस तरीके से दिखाएं। और स्टॉल वगैरह की मैं बात करूं तो वो भी कुछ लगे हुए हैं, जैसे पटियाला की जूती यहाँ पर आई हुई हैं, उसके बाद में फुलकारी के दुपट्टे वगैरह बहुत सी चीज़ें मतलब यहाँ पे वो भी सब भी आई हुई हैं। बट मेनली अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेन फोकस है, जो उन्होंने हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर जो लगाई गई हैं, उनका एग्जीबिशन किया हुआ है। ये जो आप स्टॉल देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें इन स्टूडेंट्स की बनाई हुई हैं। टीम वर्क इनको मिलता है और एक टारगेट दिया जाता है जिसमें ये इस एग्जीबिशन में ये दिखाते हैं। ये सभी जितने भी चीज़ें देख रहे हो ये हाथ के द्वारा बनाई गई हैं, और वो सभी इन स्टूडेंट्स के से। तो बच्चों ने ये सब बनाई हुई है, बच्चों की मेहनत है। और इसी तरीके का कुछ ये एग्जीबिशन होता है कार्निवल जो चंडीगढ़ में, और अभी नवंबर के मंथ से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। आगे आगे ऐसे कार्निवल बहुत यहाँ पर होते ही रहेंगे। स्टॉल्स तो मतलब मेले वगैरह तो लगते ही रहते हैं, बट यहाँ पर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स का इनका क्रेडिट जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके इस तरीके की ट्रॉलियाँ वगैरह बनाई हैं। और हमने बात करने से हमें ये पता चला था कि ये पिछले 1-1.5 महीने से इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनको जो मटेरियल होता है ये कुछ यहां से मिलता है कॉलेज की तरफ से, बाकी जो है इनको कुछ नहीं। जो इसके अंदर अभी जैसे राइड वगैरह करते हैं, जो इसकी टिकट होती है, किसी की 50 रुपीज़ है, किसी की 70 रुपीज़ है, वो पेमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के पास जाती है। बाकी इनको अपना जो है यहाँ पे हुनर दिखाने का मौका मिलता है और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो मेले का कुछ इस तरीके का व्यू है, और काफ़ी भीड़ मतलब हो रखी है, बच्चे वगैरह सभी आए हुए हैं। तो शॉपिंग के पर्पज की बात नहीं मैं कह सकती कि आप यहाँ पर आके शॉपिंग करो, आप यहाँ पर आके देखो कि मतलब बच्चों ने क्या कुछ नया दिखाया है। तो जो बच्चे हैं उनको भी देख के ऐसी क्रिएटिविटी देखने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा, और हमें भी। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेज लग चुकी है, जो कि 26 को यहाँ पर आ रहे हैं बब्बू मान और कैलाश खेर, तो उनका कुछ कार्यक्रम यहाँ रहेगा। तो बस इसी तरीके का कुछ व्यू था मैंने आपको दिखा दिया। फूड कोर्ट वगैरह सब कुछ मतलब लगा हुआ है, आप यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए, इंजॉय कीजिए, बच्चों को भी दिखाइए। फूड कोर्ट वगैरह सभी लगे हुए हैं, खाने का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, कुछ जैसे कि राजस्थान के फेमस यहाँ पर मिर्ची बड़े वगैरह, जलेबी वगैरह सारी चीज़ें लगी हैं। और ये बच्चों का मैंने आपको दिखाई दिया कि बच्चों के लिए भी झूले वगैरह हर तरीके के यहाँ पर हैं। तो ये सब आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल सा है। और अगर मेन बात बताऊँ तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मतलब क्रेडिट जाता है इनका, सब कुछ किया हुआ है इनका। और इन चीज़ों को देखने से मतलब हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ ही साथ हमारे जो मतलब बच्चे हैं जो छोटे हैं उनको भी देखने को बहुत कुछ मिलता है कि ये बड़े दीदी और भैया लोगों की मेहनत है, उन्होंने इतना कुछ मतलब ये बनाया है। और इस थीम को उनको सिर्फ थीम मिलती है, उसके बाद उनको खुद को आइडिया लेके इसको इस तरीके से हमें हमारे सामने प्रेजेंट करना होता है। तो बस यही कुछ था इस कार्निवल का व्यू, और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
चंडीगढ़ से रिलेटेड मार्केट हो गए, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जो लगते हैं, कार्निवल्स वगैरह जितने भी हो गए, ये सभी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और ये सब करने के लिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।